सरों का। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने दिया बयान, राहुल गांधी की सदस्यता पर बोली साध्वी निरंजन। गाजीपुर में यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की प्रेसवार्ता, सरकार के एक साल की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह का बड़ा बयान, जेल की यात्रा पर भेजे जा सकते हैं केजरीवाल। योगी सरकार 2.0 का दूसरा साल हुआ पूरा, मंत्री जेपीएस राठौर पहुंचे हरदोई। संबल में ग्राम सचिवों की मनमानी आई सामने, सुनवाई नहीं होने पर प्रधानों ने किया हंगामा। और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया, तो वहीं समर्थकों को देखते ही उन्होंने रमजान की मुबारकबाद दी और कहा कि रोजा हूं ये सवाल का काम है, ऊपर वाला है दुआओं में याद रखना, जिसके बाद पुलिस इरफान को लेकर कोर्ट में चली गई। आज इरफान सोलंकी की पेशी ACMM 3 कोर्ट में थी, उसमें आधार कार्ड और अकील अहमद वाले मामले में पेशी थी, जिसमें अकील अहमद वाले मामले में उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुए हैं। आधार कार्ड वाले मामले में तारीख मिली है तो दोनों की तारीखें 6-4 हैं। इसके अलावा इन दोनों मुकदमों में इरफान सोलंकी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए और उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए, उसके लिए भी एप्लीकेशन दी गई, जिसका निस्तारण अभी होना बाकी है। इसके अलावा गैंगस्टर कोर्ट में उनका रिमांड एक्सटेंशन होना था, जो कि उसकी तारीख 12-4 पड़ गई है, वो रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आगजनी वाले मामले में जो पहले एग्जम्पशन की एप्लीकेशन इरफान सोलंकी के लिए दी गई थी कि उनकी पेशी व्यक्तिगत रूप से ना हो, उसके लिए न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और अब उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी, अब उनकी पेशी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी आगजनी वाले मामले। अमरोहा में कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर प्रेसवार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई की बरसात और अरविंद केजरीवाल की बात में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा और अपने राजनीतिक अंदाज में चुटकी भी ली है। हमारी सरकार का कोई भी फैसला कैबिनेट के साथियों के साथ बैठ करके होता है और ये भी निर्णय जो भी होगा वो हमारे कैबिनेट में बैठ कर जो भी कैबिनेट करेगी वो निर्णय। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं कि जिन्होंने कोविड के टाइम पर, वैश्विक महामारी पर, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से किस तरह दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया। और आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब मीडिया के साथी हो, कि हमारे जो रोडवेज बस अड्डे हैं उन पे क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में दो ही लाइनें याद है कि मुंबई की बरसात और केजरीवाल की बात, दोनों में फर्क नहीं है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 6 साल बेमिसाल हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि गौरवशाली संस्कृति विरासत एवं प्रचून प्राकृतिक संपदा व संसाधन संपन्न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अदूरदर्शी नेतृत्व के कारण अव्यवस्था और अराजकता का शिकार रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। कुल मिलाकर योगी जी के नेतृत्व में 6 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है। यदि उपलब्धियों के रूप में मैं आपसे कहूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गति आगे बढ़ी है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है, औद्योगिक विकास के लिए 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 35 लाख करोड़ के MOU साइन करके उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लगाने का प्रयास किया है। बुलंदशहर में आज कृषि विज्ञान केंद्र पर फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान मेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह समारोह के अवसर पर कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ कार्यक्रम में मौजूद रहे। वही किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि किसान भाइयों को नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया और बताया कि यदि हम नई तकनीक अपनाते हैं तो ही हमारी आमदनी में वृद्धि होगी। कुलपति ने किसानों के प्रयास से पराली जलाने की घटनाओं की कमी का संज्ञान लेते हुए जनपद के किसानों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 18 जनपद है, जिसमें से 20 कृषि विज्ञान केंद्र है। ये भारत सरकार की परियोजना है फसल अवशेष प्रबंधन की 7 जनपदों में, और हमें 14 कृषि मेले लगाने थे। आज ये 14वां लास्ट कृषि मेला है। परसों हम लोग रामपुर में थे, जहाँ पे माननीय मंत्री जी भी थे। इस मेले का जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी स्थिति में जो किसान है फसल को न जलाए। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इससे हमारी धरती को नुकसान होता है, उत्पादकता पे फर्क पड़ता है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था माननीय कुलपति जी से कि बेमौसम बारिश हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़ा हुआ है। और आप देखें नवंबर से लेकर के जनवरी का महीना, खासकर NCR में जो दिल्ली के आसपास है, जब पंजाब में पराली जलाई जाती है तो उसका दुष्परिणाम देखते हैं आप। उसी को कम करने के लिए, जागरूक करने के लिए किसानों को ये किसान। अंबेडकर नगर में जो गरीब और लाचार महिलाएं हैं उनके लिए कैश पार माइक्रो क्रेडिट नाम की संस्था ने गरीबी से उठाकर अपने सपनों को साकार करने का मौका दिया है। बता दें कि संस्थान द्वारा ग्रामीण स्तर की महिलाओं को 30,000 से लेकर 20 लाख तक लोन दिया जाता है, जिसमें कि गरीब महिलाएं अपना खुद का बिजनेस कर आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी गरीबी दूर हो जाए। कैश पार माइक्रो क्रेडिट संस्थान द्वारा 6 राज्यों में इस मुहिम पर लगातार काम किया जा रहा है। गरीब तबके की महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गरीबी की हालत से बेहाल है, उन लोगों को लिए कैश पार जो माइक्रो क्रेडिट के नाम से एक संस्थान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सहायता समूह का एक जो है ग्रुप बनाता है और एक मुफ्त पैसा देता है, जो कि थोड़े थोड़े किस्तों में पैसा लेता है और उस पैसों का कहीं ना कहीं महिलाएँ अपने बिजनेस को लेकर उपयोग करती हैं। जो गाड़ी बेपटरी रहती है उनकी जीवन की, वो पटरी पर आ जाती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैश पार के BM सर हैं, मीनी से जानकारी चाहते हैं कि अब तक कितना लगभग महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ मिल चुका है। हमारे ब्रांच से लगभग महिलाएं, हमारे जो हमारे ब्रांच के लगभग महिलाएं हैं, वो महिलाएं हमारी हैं 1688 महिलाएं हैं जो BPL परिवार से हमारे रिलेटेड है। वो महिलाएं हमारी जो मतलब कि गरीबी से गुजरी कुचली, जिनको कोई लोन संस्था नहीं देती, जो कोई देता उसको हमारी संस्था लोन देती है। और एम्स में हमारे 88 गांव में हमारी संस्था इस समय इस इल्तफाजगंज में काम कर रही है, जो लेके समिति सदस्य अधिक से अधिक विकास करे और रोजगार का, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारी 30,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक की लोन दी जा रही है, जिसमें हमारी 8 BC बैंकें हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, जो मतलब काफ़ी सहयोग करती हैं हमारी संस्था से। अब तक लगभग अंबेडकर नगर जिले की अगर बात कर लें, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में कितना महिलाएं इस संस्थान से आपकी जुड़ी हैं? लमसम अगर हम महिलाएं की बात करें तो हमारे यहाँ
187,582 क्लाइंटें जुड़ी हुई हैं, और अगर हम ओनली हम पूरे अपने कैश पार्क मतलब छः राज्यों की बात करें जिसमें हमारे पोर्टफोलियो हमारी ब्रांच के 88,82,945, जिसमें हमारी संस्था मतलब कि काफ़ी मतलब अभी और राज्यों में खोले जा रहे हैं जिसमें गरीब बीपीएल परिवार को सहायता और उनको प्रोत्साहित किया जा सके, और हमारे जो ये कार्यक्रम है ये सदस्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। तो ये थे हमारे साथ बीएम जो कि बता रहे थे अपने अपने कंपनी को लेकर आखिर किस तरीके से कंपनी काम करती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि ये जो माइक्रो कंपनी है अब तक आपको लगभग कितना रुपए दे चुकी है और उन रुपयों का आपने क्या किया अभी तक? सर हम लोगों को अभी 1.5 लाख तक दिया है। कब से जुड़ी हैं आप? 2013 से। तो उन रुपयों का क्या करती हैं आप लोग? किराना दुकान किए हैं, उसी में लगाते हैं। हाँ, जमा भी करते हैं और लेकर उसी में लगाते भी हैं। बीजेपी की 2.0 सरकार के एक साल पूरे होने को लेकर औरैया जिले में सरकार के विकास कार्यों को जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद गीता शाक के साथ साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, जहां शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को बांटा, वह दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को राज्यसभा सांसद गीता शाक ने बताते हुए कहा कि सरकार में उन गरीब कन्याओं के विवाह मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत कराए गए। वह शिवपाल यादव पर भी आलू को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि आलू किसानों को लेकर दिए गए बयान पर गीता शाक ने भी बयान देते हुए कहा कि उनके भी सरकार में वो भूल गए कि किस तरीके से आलू किसानों के बड़े बड़े ट्रक ट्रैक्टर से भंडारण के लिए जाते थे। देखिए अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वास्तव में अपने लिए नहीं जीते, प्रदेश में जनता के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए जीते हैं, और उनका लगातार प्रयास रहता है कि हमारे प्रदेश में किसी तरीके से कोई अराजकता ना रहे, जातिवाद ना रहे, वंशवाद ना रहे, विकास हो, तो लगातार विकास के कार्य हो ही रहे हैं। योगी सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार उपलब्धियां गिना रही है, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री जनपद में पहुंचकर मुख्यमंत्री का सजीव प्रसारण भी सुन रहे हैं। साथ ही सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं हरदोई पहुंचे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने अपराधियों पर बुलडोजर और गाड़ी पलटने की कार्रवाई को उपलब्धियों में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में 750 दंगे हुए, लेकिन योगी के 6 वर्ष के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में तालिबान का शासन हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बड़ी संख्या में उद्योगपति आ रहे हैं। ऐसा है कि वो कई बार ऐसा होता है कि अपराधी माफिया को पकड़ा जाता है तो वो वहां गाड़ी में ही उत्पाद होने लगता है, इधर उधर उछल करके किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलता है। तो मैंने इतना कहा है कि वो इस प्रकार का वो ना करें, अगर पकड़ में आए पुलिस से तो शांति से बैठे रहे, अगर वो उछल कूद करें तो हो सकता है कि ड्राइवर का संतुलन खो जाए और गाड़ी पलट जाए। और निश्चित रूप से माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इतना कभी ना हुई है ना ही शायद संभव है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। हत्या कहना इसलिए इसको सही होगा कि पहले तो मृतक की बॉडी को पेड़ पे लटका हुआ लटका दिया गया था, इसमें ये कोशिश की गई थी कि ये हत्या ना लगे खुदकुशी लग गया, लेकिन जो हमें साक्ष्य मिले थे वो हत्या की तरफ इशारा करते थे और पोस्टमार्टम से भी इसकी पुष्टि हो गई थी। श्री प्रकाश जिसकी हत्या कर दी गई थी इसके अनावरण के लिए हमने 4 टीमें लगाई थी,
और हर टीम का के कार्य विभाजन किया था और हमने इसमें पूरा समय लगाया क्योंकि हत्या में घर वाले ही शामिल थे और कोई भी हमें मदद नहीं शुरुआत में मिल रही थी जिससे हत्या का खुलासा हो। संभल में पवासा विकास खंड में ग्राम सचिवों की मनमानी देखने को मिली है, जहां गड़बड़ी को लेकर आज प्रधान संघ और तमाम प्रधान विकास खंड पर एकत्र हुए और खंड विकास अधिकारी से ग्राम सचिवों की मनमानी की शिकायत की है। वहीं सुनवाई नहीं होने पर प्रधानों ने हंगामा करते हुए इस्तीफा देने की बात कही और खंड विकास अधिकारी रिजवान हुसैन ने प्रधानों की शिकायत पर उचित कार्रवाई की बात कही है। हमें तो कोई जानकारी दी नहीं जाती है, दो साल प्रधान बने हुए हो गए, हम तो अचानक यहाँ ब्लॉक में आए गए हैं, इन्हें पता ना क्या है कि मीटिंग है क्या करना है। क्या समस्या थी आपकी? समस्या तो बहुत है, समस्या तो ये क्या है, ये तो प्रधान तो मेरे समय जीरो ही बेटा है, इनके सब अधिकारी मालिक हैं, जो करना है सचिव भी मालिक मान के चलो या सरकार में, तो प्रधान कोई मालिक नहीं है। जब समस्या जब सफाई कर्मचारी और पंचायत सचिव जो अगर गाँव पहुँचेंगे तो समस्या एटोमेटो सॉल्व हो जाएंगे, जब वो टाइम देंगे समस्या सुनेंगे लोगों की, जब समस्या सुनेंगे ही नहीं वो कहीं से कहीं तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ग्राम पंचायत में समस्या को लेकर यही निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत की जो भी समस्याएं हैं, एक तो ये कि पंचायत सचिवालय बने हुए हैं लगभग हमारे सभी पंचायतों में बने हुए हैं, तो उन पर जो है सहायक बैठे और वहाँ पर समस्याओं को सुने, सेक्रेटरी का भी रोस्टर है, एक रोस्टर सिस्टम के अंदर बैठे हों, समस्याओं का वहीं समाधान हो। सुल्तानपुर में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होते ही जिले के कांग्रेसियों में गुस्सा दिखा और जिले के कांग्रेसी इकट्ठा होकर जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में सुल्तानपुर पार्टी कार्यालय से डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, तो वही जिला प्रशासन सतर्क हो गया और जिले की पुलिस की कई गाड़ियों ने मोर्चा थामा। बता दें कि आज कांग्रेस जिला अभिषेक सिंह राणा ने अपने समर्थकों को डीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी बातों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया था जनता से, कोई उन्होंने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया था, किसी के ऊपर तंज नहीं करता था, उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था, वो भी नाम लेके किया था, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल जोशी, तमाम ऐसे लोगों का जिन्होंने देश में लूटने का काम किया है, देश का पैसा लेके भागने का काम किया है, ऐसे लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि क्या कारण है, क्या मोदी सर ने उनके लगे लोग ही चोर हैं, तो उन्होंने एक सवाल जनता से किया था, एक सवाल के बदले अगर उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा किया जाता है और 5 मिनट के अंदर ही फैसला सुना दिया जाता है, उनकी लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी जाती है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। फरीदाबाद में देर रात बारिश के बाद किसानों की तैयार फसल 50% तक खराब हो गई है, जिसके बाद किसानों ने हरियाणा सरकार से मुआवजे की गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा उनको दे ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की नष्ट हुई फसल का मुआवजा हरियाणा सरकार कब तक किसानों को आखिर दे पाती है। काफी नुकसान है जी। कितना नुकसान? लगभग कितने एकड़ जमीन है जिसमें खेती की जाती है? जमीन तो बहुत है जी, हाँ खेती की। कोई अधिकारी कोई मौके पे पहुंचा अभी तक? कोई नहीं आया जी। अगर एक फसल की अगर बात की जाए तो कितनी लागत इसमें आती है, कितनी मेहनत आती है और उसके बाद जो है काड़ी मेहनत के... काफी है जी। अब क्या उम्मीद लगा रहे हो सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है जी कुछ किसान मिले मुआवजे की बात। मुआवजे के बारे में कोई अधिकारी अभी तक मौके पे कोई नहीं आया जी। उच्च शिक्षा मंत्री अशोक उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ी उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, पीएम मोदी तो उस मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ते नहीं हैं। उपाध्याय ने कहा कि अगर 2013 में राहुल गांधी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया वो अध्यादेश फाड़ा ना होता तो शायद आज उनकी सदस्यता बच जाती। इस अध्यादेश में ये व्यवस्था थी कि आपराधिक मामले में सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होने पर उसे सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। उसको इंगित कराया है जनता के सामने कि ये इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। यानी जो राजनीतिक लड़ाई है वो या व्यक्तिगत लड़ाई उनका जिसका जैसा मानसिक स्तर होगा वैसी लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता, राहुल गांधी ने जिस स्तर से मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ी उन्हें भुगतना पड़ा।
मोदी जी तो उस मान से किस स्तर पर उतरते नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि अब तो मानहानि के मामलों में सजा पड़ने लगी है, तो तमाम नेता कहने लगे हमारे साथ भी हम भी दावा करेंगे। हाँ तो करें ना, किसने रोका है? राहुल गांधी को किस, राहुल गांधी नहीं, वो संशोधन जो मनमोहन सिंह ला रहे थे फाड़ा था, अगर नहीं फाड़ा होता तो शायद बच गए होते। फतेहपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर थी, जहां उन्होंने जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पत्रकारों से रूबरू होते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सूरत के कोर्ट में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2019 के चुनाव के दौरान एक समाज को राहुल गांधी ने अपमानित किया था और काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा था। कांग्रेस का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट के सामने नहीं झुका। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार ने सजा नहीं सुनाई है। आज मैं भी स्वयं जिस समय राहुल गांधी ने बोला था उस समय मुझे लगा था कि ये राहुल गांधी शायद कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेंगे, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट में झुकने नहीं दिया। और अभी एक महीने के अंतर्गत राहुल गांधी ने विदेश की धरती में जाकर के जिस तरह से मां भारती का अपमान किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो भी देश की जनता से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं, देश की जनता को अपमानित करने के लिए बोलते हैं। मैं निंदा करती हूँ, संविधान भारत संविधान से चलता है, देश की जनता संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज मैं भी स्वयं कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने सरकार के एक साल पूरे होने पर फतेहपुर जिले में गांधी सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के एक साल पूरे होने पर एक किताब का विमोचन हुआ है और विधानसभा सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं, सरकार द्वारा गरीब के लिए चलाए जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में सफल रही है। योगी जी का एक साल सरकार का पूरा हुआ है, उसी को लेकर के एक पुस्तिका का विमोचन हुआ है, जो विधानसभा वाइज जो भी सरकार ने एक साल में काम कराए हैं वो पुस्तिका आप लोगों को मिल गई है। पूरी तरह से सरकार एक गांव गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। उसी के चलते साल भर पहले जो चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी को पुनः बहुमत मिला, इसके लिए आपके माध्यम से हम बधाई देते हैं। इसीलिए आज बड़ा बजट सरकार ने अभी पास किया है 6,90,000 करोड़ का, उसमें भी चूँकि फतेहपुर आकांक्षी जिला है और इसमें विशेष तरीके से सरकार की नज़र है हर स्तर पर, चाहे सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सिंचाई हो, या हमारे MSME सेक्टर में हो, ODOP में हो, हर तरफ सरकार की निगाह की जिले में आकांक्षी जनपदों को हमें बराबर लाना है और उनको विकास में अधिक से अधिक धन देकर के उनका विकास। योगी जी का खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया को एक साल में योगी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के कार्यकाल में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया है। माननीय योगी जी के सेकेंड कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि जिन्हें हम सत्ता में बैठाए थे वो क्या कर रहे हैं। तो आज सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जिले में सरकार के 6 साल या लास्ट कार्यकाल के एक साल का पूरे डाटा लेकर के या आपके माध्यम से जनपद वाइज प्रदेश का और जनपद में विधानसभा सह क्या क्या विकास काम हुआ है इसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं और जनता को जानने का अधिकार है कि जिनको हमने सत्ता में बैठाया तो क्या काम कर रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट एक बुकलेट के रूप में यहाँ प्रेजेंट है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां एक बार फिर से पिटबुल के काटने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 9 साल के बच्चे को पिटबुल ने अपना शिकार बनाया और बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है, तभी पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति का कुत्ता पिटबुल, जो कि खतरनाक जानवर माना जाता है, अचानक खेल रहे बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि बच्चे के परिजनों ने पिटबुल के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने पिटबुल के मालिक को हिरासत में लेकर अब आगे की जाँच पड़ताल भी करती हुई दिखाई दी। हमारा बच्चा नीचे खेल रहा था, जिसके नीचे खेल रहा था एकदम पिटबुल डॉग आया, जो कि मोरियल टोनी ने पाला हुआ है, उन्होंने आया और बच्चे को एकदम हमला कर दिया, जिससे बच्चा बचाव नहीं कर पाया अपना और उसने अपने दांत उसके हाथ पर बगल में सभी जगह उसका हालत पूरा घायल कर दिया। किसने किस प्रकार आपने अपने बेटे को बचाया? मैं ऊपर थी, लोगों ने देखा उसके ऊपर डंडे से उसके ऊपर बरसा की और जिसके उसके बाद उनके ओनर आए, उन्होंने पकड़ा और लोगों ने डंडे मार के डॉगी को हटाया। योगी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर गोंडा जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण हिस्सा लेने पहुंचे और केजरीवाल पर बड़ा पलटवार इस दौरान वो करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि केजरीवाल के 2 से 3 मंत्री जेल में हैं और जल्दी केजरीवाल भी जेल की यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। देखिए, आज मैंने कहा कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। केजरीवाल भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आज उनके 2-2, 3-3 सहयोगी इस समय जेल की यात्रा पर हैं, तो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज हैं और हो सकता है कि उनकी भी यात्रा बन जाए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं, आज उनके 2-2, 3 मंत्री जो है जेल की यात्रा पर हैं। हरदोई के हरियावा इलाके में नहर में शिशु का शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को निकलवा कर कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। ये ग्राम अछुआपुर है, जो थाना क्षेत्र हरियावा में लगता है, वहाँ नहर है, नहर में ही कपड़े में लिपटा हुआ 5 माह का शिशु बालक है, उसका शव मिला है। कपड़े के अंदर ईंट भी एक है, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि बालक जो है जन्म के बाद किसी बीमारी से अभी मृत्यु हुई है, जिसका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी हेतु शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो उसमें आएगा निकल के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में जिला जज के खिलाफ अधिवक्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के साथ ही अब लॉयर्स एसोसिएशन के वकील भी शामिल हो गए हैं। आज बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले कचहरी परिसर में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और जज के खिलाफ नारेबाजी कर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला जज द्वारा तानाशाही के चलते समस्त अधिवक्ता परेशान है। यही नहीं, इससे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन उच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने यह फैसला लिया है कि जब तक जज को उनके पद से हटाया नहीं जाता है, तब तक यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। दिनांक 24 मार्च 2022 की आम सभा में दोनों एसोसिएशन द्वारा और अधिवक्ताओं की राय लेकर यह निर्णय लिया गया कि हम लोग पूर्णतया कार्य से विरत रहेंगे, चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे न्यायिक कार्य हो। इसको लेकर आज सुबह 10:30 बजे से अधिवक्ताओं ने सारे गेट बंद कर दिए, किसी अदालत ने काम नहीं किया, किसी वकील ने काम नहीं किया। वादकारियों के यद्यप काम नहीं हुए, वो भटक रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है आज संस्कारिक भ्रष्टाचारी आविधिक आदेश करने वाले जिला जज को क्यों नहीं माननीय उच्च न्यायालय हटा रही। जब तक माननीय उच्च न्यायालय ऐसे गंदे आचरण वाले भ्रष्टाचारी जिला जज को नहीं हटाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल,
लॉयर्स एसोसिएशन और जिस तरीके से अधिवक्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर में वकीलों का गुस्सा जाहिर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कानपुर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि यदि कानपुर से जिला जज को नहीं हटाया जाएगा तो वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। और इन्होंने मीडिया से बात करते वक्त बताया है कि इसमें सरकार को भी और साथ ही हाई कोर्ट को भी इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार कानपुर के जो अधिवक्ता हैं वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिला जज के ऊपर कि वो हर बार हमारी सारे वकीलों की बेइज्जती कर देते हैं और भरे समाज में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश कानपुर के अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा था, जिसके चलते कई दिनों बाद सांकेतिक धरना दिया गया था। लेकिन आज जो अधिवक्ताओं का जो धरना था वो धरना असीमित समय तक के लिए निश्चित कालीन तक के लिए किया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इससे आगे कोई कार्रवाई होगी या यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहे। जी धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग नवरूपों की भक्त पूजा करते हैं। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रयागराज के मुख्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी, तो वहीं इस बार चैत्र नवरात्र और रामनवमी के महापर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई, जिसके चलते यूपी के प्रमुख मंदिरों में सप्तचंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ ही राम कथा का आयोजन किया जाएगा। 22 तारीख से 30 तारीख तक मंदिर में प्रतिदिन प्रातः श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, सायंकाल श्री सचंडी महायज्ञ, नित्य नूतन मनोहारी श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में मुझे ये कहना है कि इस वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के आदेशानुसार या उनके दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगरों में सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया गया, जिससे विभिन्न मंदिरों में मुख्य मंदिरों में कार्यक्रम संपन्न कराने हैं। इसी क्रम में मीरापुर में हमारे ललिता देवी मंदिर प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। ये बहुत अच्छी पहल हम लोगों को लगी है और इसमें युवा कलाकार और स्थानीय कलाकार और हमारे सीनियर कलाकारों को मिलाकर एक कितनी गुलदस्ता तैयार किया गया है। और नवरात्रि के अवसर पर ये इवेंट हो रहा है और ये पहली पहल की गई है सरकार की तरफ से, तो हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ही उल्लास के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, जिसमें देवी गीत पर भी हम नृत्य करेंगे और पारंपरिक लोक नृत्य हमारा ढिढ़िया है, जो रामचंद्र जी के 14 वर्ष के पूरे होने पे अयोध्या जब आते हैं, आगमन होता है, तो वो नृत्य हम लोगों ने किया है और राम जन्म के लिए सोहर नृत्य भी हम कर रहे हैं। रायबरेली में 2 दिन से गायब युवक की रेलवे पटरी के पास लाश मिली है और पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है। वही परिजनों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगाया और जाम की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा पीड़ित को ही धमकाया जा रहा है और जल्दी जल्दी शव को दफनाने की बात भी कही जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां नवरात्र पर मां शाकुंभरी सिद्धपीठ पर होने वाले मेले के आयोजन के चलते पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीजी राजीव सबरवाल। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने बताया कि मेरठ में आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं पर सहारनपुर पुलिस की पैनी नजर है। वही सहारनपुर प्रशासन की ओर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था भी बनाई गई है, जिसके बाद उन्होंने जनपद के कई थाना क्षेत्रों का भी भ्रमण कर थानों की स्थिति का जायजा लिया है। यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको आज देखा गया और बहुत ही अच्छा एसएसपी साहब ने और उनकी फोर्स ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु इस मेले में आएंगे उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा की और अन्य व्यवस्थाएं हैं और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि पूरे हर्षोल्लास के साथ आएँ। सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा यदि कोई किसी भी प्रकार की चीज़ देखें तो वो यहाँ पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है उनको बताएं ताकि हम उनका अपेक्षित सहयोग कर सकें।
सहारनपुर में एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मां शाकुंभरी मेले का निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं नवरात्र पर मंदिरों में होने वाली भीड़ को लेकर तमाम पुलिस कर्मियों को जो है दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है और शांति व्यवस्था यू ही जनपद में बरकरार रहे। औरैया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे युवक ने 8 साल की मासूम को पहले तो अगवा किया और अगवा कर उसे लालच देकर अपने साथ ले जाकर उसका बलात्कार किया और रेप की घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम के लापता होने की खबर परिजनों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गाँव के करीब 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। इतनी बड़ी बच्ची है 8 साल की, पढ़ियाँ चलाती है। हम गए थे काम से, बच्ची को ब्याह हुआ मेरी को, तो हम काम से गए थे। उधर से हम लौट के आए 5:30 बजे लगभग, तो जेही में चलाती हूँ, वहाँ खेलती शाम से बोली पापा कहाँ ले आए। हमने तो बेटा घर आँक ले आओ, हम अंगूर ले आई है बने चौपे हाल ही आँख दई चौपे 10 मिनट में मतलब घर पहुँच गए, लेकिन बिट्टी नहीं आई। फिर तुरंत देखा नहीं कहा, हम कह गए थे हमने अंगूर ले आए हैं, बिट्टी खा ली हुआ है, तो बिट्टी नहीं पहुँची। सो हमने उनके को लगा लगाए तो बिट्टी कहाँ गई, तलाइया लगी, अब तो देर होते ही चलो। कितना टाइम हुआ था? 6:30 बजे 7:45 बजे की बात है। कल रात को लगभग 11 बजे थाना अयाना पर सूचना आई थी कि ग्राम महमूदपुर के ये शिवेंद्र सिंह दोहरे, इन्होंने सूचना दी है कि इनकी बेटी जो पड़िया चराने गई थी वो घर नहीं आई। तो सारे गांव वालों ने अपना पूरा गांव पहले सर्च किया, जब उन्हें बच्ची नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर तत्काल मैं एडिशनल एसपी सीओ अजीत मल और पुलिस की फोर्स स्पेशल टीम्स बनाकर हमने रात में सर्च करवाया। तहरीरी सूचना पर 363 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें गांव में रात भर में काफ़ी तफ्तीश की गई, देखा गया कौन कौन गांव में था, कौन कौन किस किस के ऊपर शक करते हैं। शक के आधार पे 8-9 लोगों को उठाया गया था, जिसमें सभी से पूछताछ की गई। तो एक अभियुक्त जिसका नाम गौतम है, गौतम सिंह सन ऑफ राजीव प्रसाद दोहरे, ये उसी गांव के महमूदपुर का रहने वाला है, इसने बच्ची के साथ घटना करने की कबूल की। इसकी निशानदेही पर बच्ची की बॉडी अभी कुछ देर पहले बरामद हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।